क्या है, मेरे पास शुभम लवंशी 6 तारीख फरवरी को दिखाने आया था। उसको पिछले 5-7 दिन से पेट में दर्द और तकलीफ थी। मेरे आने से पूर्व इंदौर में भी एक डॉक्टर को दिखा चुका था, वहाँ भी उसने सोनोग्राफी कराई थी, उसमें अपेंडिक्स की समस्या निकली थी। खंडवा आने के बाद मैंने उसकी फिर से एक सोनोग्राफी करी, उसके अंदर अगेन एक अपेंडिक्स में इन्फेक्शन की समस्या निकली। फिर मैंने उसकी खून की जाँचें कराई और उसी दिन डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव साहब को दिखा के उसका मेडिकल फिटनेस करवाया था। और उसी दिन फिर हम लोगों ने शाम को उसका ऑपरेशन किया, तो ऑपरेशन में अपेंडिक्स में इन्फेक्शन निकला था, और जो खराब अपेंडिक्स को हमने निकाल के उसको इंदौर जांच के लिए भेज दिया था। उसके 2 दिन तक तो मरीज बहुत स्वस्थ था, तीसरे दिन मरीज को थोड़ा पेट में दर्द बढ़ा, तो मैंने डॉक्टर गौरव अग्रवाल को भी दिखाया कि डॉक्टर गौरव देखिए इसमें क्या हो सकता है। तो सर गौरव सर भी बोले कि सर कभी कभी मरीज को तीसरे चौथे दिन थोड़ा पेट में दर्द बढ़ता है। उसके बाद फिर मरीज को जो दर्द थोड़ा कम नहीं हो रहा था, तो उसके साथ में मैंने फिर डॉक्टर पंकज जैन और डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव साहब को भी दिखाया था उस बीच में, लेकिन मरीज का दर्द अगर कम नहीं हो पा रहा था तो फिर हमने उसको सीटी स्कैन कराने की सलाह दी। सीटी स्कैन कराने के बाद उसमें पता लगा था कि मरीज को आंतों में किसी प्रकार की उलझन है, या मरीज की आंतों में किसी प्रकार का कोई छिद्र या कोई किसी प्रकार की गंदगी हो गई है। तो फिर हमने वाले मरीज के अटेंडर को समझा के 12 तारीख को फिर से उसका दूसरा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में पता लगा था कि बड़ी आंत के अंदर उसको एक हिस्से में उसको काफ़ी सारे छिद्र हो गए थे, जो कि अपेंडिक्स से काफ़ी ऊपर की तरफ था, और जहाँ अपेंडिक्स था उससे ऊपर की तरफ था। फिर हमने उस आँख को काट के निकाला, उतने खराब आँख को काट के निकाला और स्वस्थ आँतों को जोड़ा, और उस जो आँख निकली हुई आँख को हमने इंदौर जांच के लिए भेजा था। ये 12 तारीख का हुआ। 13 तारीख को ऑपरेशन के बाद मरीज स्वस्थ था। 14, 15, 16, 17 को थोड़ा मरीज को हल्का दर्द हो रहा था, तो हमने मालूम है थोड़ा हो सकता है हमने उस समय मरीज की दर्द की दवाइयाँ कम करी थी। फिर वापस हमने मरीज की दर्द की दवाइयाँ बढ़ाई तो वो काफ़ी ठीक हो गया। 18 तारीख को मैं किसी कारणवश इंदौर गया, जहाँ पे मेरे कुछ परिवार में कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैं इंदौर जाना पड़ा मुझे इमरजेंसी में। तो डॉक्टर अजीत वर्मा साहब को मैं बोल गया था कि मेरे मरीज को देख लीजिए। वर्मा साहब ने 18-19 को मरीज देखा। 19 को मरीज के अटेंडर का मुझे फ़ोन आया कि सर हम मरीज को इंदौर ले जाना चाहते हैं। तो मैंने बोला यार ठीक है, तुम ले जाना चाहते हो लेकिन लेके कहाँ जाओगे? तो बोले साहब हम गरीब हैं तो कहीं व्यवस्था करा दीजिए। तो मैंने स्वयं ही मरीज की व्यवस्था जो है वो MY हॉस्पिटल में डॉक्टर अंकुर माहेश्वरी जो प्रोफेसर है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनके अंडर करवाई मैंने, और वहाँ उसका इलाज प्रॉपर तरीके से चला। मरीज को इंदौर में भी MY में उसका सीटी स्कैन सारी जांचें हुई, वहाँ पे भी उसका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। बाद में मरीज के अटेंडर मुझे कि साहब MY में मेरा बराबर ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो आप कहीं और व्यवस्था करा दीजिए। तो मैंने विधायक नारायण पटेल जी के सहयोग से मालूम है उसका व्यवस्था अरविंदो हॉस्पिटल में करवाई, डॉक्टर मनोज केला जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनसे बात करके। अब मरीज का इलाज अरविंदो में चल रहा है, मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ है। MY हॉस्पिटल एवं अरविंदो हॉस्पिटल में मरीज का किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है। जो मरीज मेरे पे आक्षेप लगा रहा है कि गलत आंत काटी या गलत आंत काट के निकाली गई, तो उसकी बायोप्सी रिपोर्ट मरीज को दी गई है। जो मेरे पास पेपर है उसमें साफ साफ है कि मरीज के अटेंडर ने सारी बायोप्सी रिपोर्ट स्वयं अपने हाथ से साइन करके और सारी रिपोर्ट हमसे लेके गए हैं। अब ये जो मामला है बेसिकली ब्लैकमेलिंग का मामला होते जा रहा है। मेरे पे मालूम बहुत से लोग दबाव बना रहे हैं अलग अलग तरीके से कि मरीज के साथ सेटलमेंट कर दो, मरीज के साथ कुछ कर दो, लेकिन मैंने मरीज और उसके अटेंडर को एक ही बात बोली कि आपके इलाज के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ लेकिन पैसा नहीं दूंगा। ये आपके खिलाफ कलेक्टोरेट भी गए थे ज्ञापन देने के लिए, इसके बाद क्या हुआ? जी मैंने मालूम है आज मैंने मालूम है TI मुगट श्री हिरवे जी को, SP साहब सत्यन्द्र शुक्ला जी को, एवं हमारे जो अनूप कुमार जी है वो कलेक्टर साहब, इनको भी मैंने ज्ञापन दिया है कि मेरे खिलाफ जो प्रिंट मीडिया में और जो डिजिटल मीडिया में जिस तरीके की अनर्गल बातें करी जा रही है बिना जाने, मरीज के पास किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं है। मैं ऑलरेडी मेरे पेपर, मैं और डॉक्टर दिलीप हिंदुजा अपने सारे पेपर CMHO ऑफिस में हम जमा कर चुके हैं, सारे डॉक्यूमेंट CMHO ऑफिस में दे चुके हैं। उसके बावजूद भी मरीज के अटेंडर और अन्य लोग जो उसके साथ जुड़ गए हैं, जो अनर्गल बातें कर रहे हैं कि आप गलत ऑपरेशन कर दिया, तो मेरा 3 सवाल पूछना है। कि पहला सवाल कि अगर मरीज के अटेंडर से जो विष्णु लवंशी है जो मेरे खिलाफ आक्षेप लगा रहे हैं, जो विजय लवंशी है और पिता जगदीश लवंशी, मेरा उनसे तीनों से ही सवाल है, अगर मैंने गलत आंत काटी थी तो फिर MY हॉस्पिटल या अरविंदो हॉस्पिटल में जहां आपका इलाज चला वो भी मेरी मदद के द्वारा, वहां दूसरा ऑपरेशन या तीसरा ऑपरेशन क्यों नहीं किया गया? 1, 2 वहां मरीज को पेट के TB एवं आंत की TB की दवाइयां क्यों चालू करी गई? 3, आपने मुझसे प्रॉपर संपर्क क्यों नहीं किया? जब भी आपका फ़ोन आता था मैं उठाता था, आपने मैंने हमेशा आपकी मदद करी। और मैं अभी भी आपसे लवंशी जी आपसे कहना चाहता हूँ
कि आप शांति रखिए, आपका मरीज ठीक हो जाएगा, पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। मेरी डॉक्टर मनोज केला से रेगुलर बात होती है, उन्होंने बोला है कि सर मरीज जो है जल्द से जल्द डिस्चार्ज हो जाएगा और स्वस्थ अवस्था में।